गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 8 के फर्स्ट एक्सरसाइज के टॉपिक लेशन फूड प्रोडक्शन को। लेकिन आज आप लोगों को करना क्या होगा कि आज आप लोगों को लेके बैठना होगा अपने साथ कॉपी, है ना, ताकि कि आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ क्वेश्चन आंसर भी आपको बुक का लिखवाते चलता हूँ, ताकि कि इसमें होगा क्या कि आप लोग क्वेश्चन आंसर लिखते चलेंगे तो आप लोग फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के लिए भी अभी से ही प्रिपेयर होते रहेंगे। तो चलिए आज हम लोग इसी को शुरू कर लेते हैं, फूड प्रोडक्शन के पहले लेसन को। तो आइए देख लेते हैं, लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 20 वर्ड्स। पहले किसी इन्हीं सवालों के जवाब को लिखेंगे हम लोग, है ना। तो आप लोग अपने कॉपी को अपने पेन को लेकर तैयार रहें, वीडियो को पॉज कर करके बीच बीच में आप लोग देखते रहें और वीडियो को इसको पूरा देखें और पूरा लिखें भी, और आज ही शाम तक सारे कॉपी को फेयर करके आप लोगों को मेरे पास भेजना होगा, है ना। तो चलिए पहला सवाल है व्हाट इज एग्रीकल्चर। ये है पहला सवाल, इसका जवाब है, जवाब भी मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। आप लोगों को करना क्या है कि जवाब को अच्छे तरीके से अपने कॉपी पे से लिख कर मुझे बाद में भेजना होगा, है ना, शाम तक आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेजना होगा कि ताकि मैं आप लोगों का क्या कर सकूं कि कॉपी को चेक कर लूं और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी आप लोग प्रिपेयर रहें। तो आइए हम लोग शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला है एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स। Agriculture is the practice of growing crops on a large scale in a field. Agriculture is a practice of growing crops on a large scale in a field, है ना। ये है आपका एग्रीकल्चर। अगला सवाल जो आपका दो है वो है क्या कि name two plantation crops। इसका जवाब है सबसे पहले तो पैडी, है ना, पैडी जिसको हम लोग राइस भी कहते हैं, और दूसरा जो है वो है आपका चिली, है ना, चिली वगैरह को भी जो होता है हम लोग करते हैं, नहीं तो ओनियन लिख लीजिए, ओनियन को भी हम लोग जो होता है ट्रांसप्लांट करते हैं। तीसरा है मेंशन द मेजर एक्टिविटी इन्वॉल्वड इन ए ग्रोइंग क्रॉप, है ना, मेंशन The major activities involved in growing a crop। बताना है कि कौन कौन सा एक्टिविटी करके हम लोग फसल को उपजाते हैं। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसके अंतर्गत आता कौन कौन है, तो आता है आप लोग भी जानते हैं प्लॉइंग एंड लेवलिंग। ये दो जो प्रोसेस आता है वो आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में। उसके बाद आता है मैन्यूरिंग, है ना, इसके बाद आता है सोइंग सीड्स, है ना, फिर आता है आपका इरिगेशन, है ना, इसके बाद आता है हार्वेस्टिंग, और अंत में आता है स्टोरेज। तो मैं बोर्ड पे से हट जा रहा हूँ, आप लोगों को तीनों सवाल के जवाब आसानी से बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। तीनों सवाल को आप लोगों को करना क्या है कि फेयर कॉपी में आप लोगों को लिखना है, फेयर कॉपी में लिख के आज शाम तक मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेजना है, ताकि मैं देख सकूँ कि आप लोगों में से कितने बच्चों ने इसे फेयर किया, है ना। तो पहले से फिर मैं एक बार सवाल को आपको समझा देता हूँ, समझना इसलिए जरूरी होता है कि ताकि याद आपको आसानी से हो जाए। तो सबसे पहला सवाल है व्हाट इज एग्रीकल्चर, कृषि क्या होता है। तो मैंने लिखा है कि एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, है ना, ऑन ए लार्ज स्केल इन ए फील्ड। एग्रीकल्चर क्या है, तो एक प्रकार का प्रयास होता है, एक प्रकार का प्रोसेस होता है, एक प्रकार का प्रक्रिया होता है फसलों को उगाने का बहुत ज़्यादा मात्रा पर एक ही खेत में। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर एक ही खेत में हम बहुत ज़्यादा मात्रा में फसलों को उगाएंगे, तब क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा एग्रीकल्चर। अगला सवाल है नेम टू प्लांटेशन क्रॉप्स, दो प्लांटेशन क्रॉप्स का नाम बताइए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या कि हम लोग जानते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स में पहला होता है पैडी, राइस जिसको कहा जाता है, और दूसरा जो होता है ओनियन को भी प्लांटेशन किया जाता है, मतलब उगाया जाता है कहीं और फिर से ले जाकर बोया जाता है कहीं और।
अगला है मेंशन द मेजर एक्टिविटी इन्वॉल्वड इन ग्रोइंग अ क्रॉप, है ना, किसी फसल को उपजाने में कौन कौन सा हम लोग बड़ा बड़ा जो क्रियाकलाप होता है वो करते हैं, तो इसके बारे में तो ये लिखा हुआ है बोर्ड पे आप लोगों के पास कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या, खेत को मिट्टी को तैयार करते हैं, और मिट्टी के तैयार करने में दो कार्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है कौन, तो प्लोइंग और लेवलिंग। इसके बाद है मैन्यूरिंग, मतलब खाद वगैरह देना, है ना, बीज को बोना, है ना, इरिगेशन करना, और उसके बाद उस फसल को काटना, और अंत में सबसे अंत में होता है स्टोरेज करना। स्टोरेज करने का मतलब है कि फसल को इकट्ठा करना, काटना, है ना, और स्टोरेज करने का मतलब होता है अनाज के दानों को वहाँ से कलेक्ट करके जमा करना। तो ये जो है तीन जो आपका सवाल है, आपका क्वेश्चन नंबर ए का तीन सवाल के जवाब आपके लिए बोर्ड्स पे लिखे हुए हैं, आप लोग यहाँ से उतार लें। अब चौथे सवाल की ओर मैं बढ़ता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले एक दो वीडियोस में आपका ये जो क्वेश्चन आंसर का है वो भी आप लोगों का पूरा हो जाए, ताकि कि आप लोगों को एग्जामिनेशन जब हो तो उसके लिए आप लोग अभी से ही तैयार हो जाए, है ना। अगला सवाल है वाटर वेड्स, चार नंबर में सवाल है वाटर वेड्स, व्हाट आर वेड्स, है ना, वेड्स क्या होता है, तो इसका है वेड्स आर अनवांटेड प्लांट्स ग्रोइंग अलोंग विथ क्रॉप। ये था चौथा सवाल का जवाब। पांचवा सवाल है कि मेंशन थ्री वेज ऑफ रिमूविंग वेड्स, मेंशन थ्री वेज ऑफ रिमूविंग वेड्स फ्रॉम द क्रॉप फील्ड। तो इसका जवाब है सबसे पहले हाथ से, दूसरा है वेडी साइड से, और तीसरा मशीन से। तीन तरीके से जो होता है हम लोग वेड्स को हम लोग कंट्रोल करते हैं, है ना। तो वेड्स को कंट्रोल करने के लिए तीन तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले मैनुअली भी किया जाता है, इसको ट्रॉबल से भी किया जाता है, या हुक से भी किया जाता है, है ना। मैनुअली कहने का मतलब हाथ से किया जाता है, ट्रॉबल की सहायता से जो होता है ना खुरपी वगैरह उसकी सहायता से भी किया जाता है, और नहीं तो वेडी साइड की सहायता से भी किया जाता है। तो यहां मैं लिखता हूं कि वेड्स आर रिमूव्ड बाय मैनुअली कहने का मतलब बाय हैंड, है ना, बाय हैंड एकदम डायरेक्ट कबाड़ के उसको फेंक देना है मैनुअली, बाय द हेल्प ऑफ ट्रॉवेल और बाय यूजिंग वेडी साइड्स। तो बोर्ड पर से मैं फिर से हट जा रहा हूँ, वीडियो को आप लोग पॉज कर लीजिए। वीडियो को पॉज करने के बाद आप लोग बोर्ड पर जितना भी आंसर क्वेश्चन लिखा हुआ उसको लिखिए, है ना, ताकि कि आपको समझ में आ जाए, है ना। तो ये सारी बातें हैं। तो आपको मैं फिर से सवाल नंबर चार समझा देता हूँ। सवाल नंबर चार जो है वो है क्या कि वाटर वेड्स, तो वेड्स आर अनवांटेड प्लांट्स ग्रोइंग अलोंग विथ क्रॉप। वेड्स जो होता है अनचाहा पौधा होता है। अनचाहा पौधा कहने का मतलब है, है ना, कि फसल जो बोए उसके साथ कोई भी, है ना, एक अलग से आपको कुछ भी, है ना, अलग अलग प्रकार का झाड़ जंगल जैसा पौधा उगने लगेगा तो उसी को कहा जाता है वेड्स। अगला है मेंशन थ्री वेज ऑफ रिमूविंग वेड्स फ्रॉम क्रॉप फील्ड, है ना, तीन तरीका बताना है आपको तीन तरीका आपको बताना है कि वेड्स को कैसे खेतों से रिमूव किया जाता है। तो सबसे पहला है मैनुअली, मतलब हाथ से एकदम जड़ से कवाड़ देना, मतलब किसी भी पौधे को आप जड़ से कवाड़ देंगे तो कहेंगे क्या कि वेड्स को रिमूव कर दिए, नहीं तो हम लोग खुरपी वगैरह का इस्तेमाल, जिसको ट्रॉवेल हो हुक भी कहा जाता है, उसकी सहायता से हम लोग इसको निकाल देते हैं, और नहीं तो वेडी साइड्स का इस्तेमाल करके भी हम लोग क्या करते हैं, वेड्स को रिमूव कर देते हैं। तो ये था आपका पाँच सवाल। अब आगे का सवालों को हम लोग और देख लेते हैं। छह नंबर सवाल में है वाटर पेस्ट क्या होता है। तो चलिए हम लोग इसको भी लिख लेते हैं, सवाल को लिखते जाइए, मैं आपको समझाते भी जाऊंगा। व्हाट आर पेस्ट, व्हाट आर पेस्ट्स,
व्हाट आर पेस्ट, तो आंसर इसका है कि पेस्ट, सवाल जो है सवाल था ये कि पेस्ट क्या होता है। तो पेस्ट के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि पेस्ट क्या होता है ना। तो पेस्ट जो होता है ऑर्गेनिज्म होता है जो कि करता है क्या है कि खेतों को नुकसान पहुंचाता है, फसलों को क्या पहुंचाता है नुकसान, जैसे में आपका चूहा वगैरह है ये सब क्या में आता है, तो आपका पेस्ट में आता है, तो यही है आपका पेस्ट। तो आइए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं पेस्ट क्या है, है ना। तो पेस्ट आर ऑर्गेनिज्म, पेस्ट आर ऑर्गेनिज्म है ना, पेस्ट आर ऑर्गेनिज्म विच, पेस्ट आर ऑर्गेनिज्म, पेस्ट्स आर ऑर्गेनिज्म्स, पेस्ट्स आर ऑर्गेनिज्म्स विच हार्म द क्रॉप, विच हार्म द क्रॉप, विच हार्म द क्रॉप, पेस्ट्स आर ऑर्गेनिज्म विच हार्म द क्रॉप। पेस्ट, पेस्ट कहते किसको है, एग्जांपल्स में देख लेते हैं हम लोग पेस्ट कहते किसको है। तो पेस्ट जो होता है लाइक रोडेंट्स, लाइक रोडेंट्स, रोडेंट्स किसको कहा जाता है, जो भी मैं लिख रहा हूँ रैट्स है ना, चूहे जिसको हम लोग कहते हैं है ना, ये जो होते हैं एंड इंसेक्ट्स को भी, एंड इंसेक्ट्स मतलब कि कीड़े मकोड़े को भी हम लोग कौन से साथ में, कौन से श्रेणी में रखते हैं, तो पेस्ट के श्रेणी में रखते हैं। अगला सवाल जो है अच्छा सात नंबर सवाल देख लेता हूं मैं, लिखा हुआ है व्हाई आर एनिमल्स प्रोटीन, व्हाई आर, व्हाई आर एनिमल्स प्रोटीन, व्हाई आर एनिमल, एनिमल प्रोटीन्स, एनिमल प्रोटीन्स, एनिमल प्रोटीन्स कंसीडर्ड टू बी बेटर, considered, considered to be better, to be better, considered to be better than plant proteins, than plant proteins, than plant protein, than plant protein। क्यों कहा गया है कि एनिमल का प्रोटीन जो होता है हमारे लिए प्लांट के प्रोटीन से भी अच्छा होता है, तो सवाल यही है कि एनिमल का प्रोटीन जो होता है क्यों अच्छा होता है प्लांट के प्रोटीन से, है ना। तो यहाँ जो है मैं आपको जवाब लिख के देता हूँ, है ना, उसको आप लोगों को देखना है और आपको आंसर लिखना है। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पे कि एनिमल प्रोटीन्स आर, एनिमल प्रोटीन्स आर, एनिमल प्रोटीन्स आर मोर डाइजेस्टेबल, मोर, मोर डाइजेस्ट, मोर कम्प्लीटली डाइजेस्टेड बाय अस, मोर कम्प्लीटली, कम्प्लीटली डाइजेस्टेड बाय अस, डाइजेस्टेड बाय अस, फुल स्टॉप। इसके बाद है आल्सो दे कंटेन सम एसेंशियल, आल्सो, आल्सो दे कंटेन, दे कंटेन, दे कंटेन सम एसेंशियल, सम एसेंशियल एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, सम एसेंशियल एमिनो एसिड है ना, दैट प्लांट प्रोटीन्स लैक, दैट प्लांट प्रोटीन lacks, that plant proteins lack, that plant proteins lack। अब मैं फिर से एक बार बोर्ड पर से हट जा रहा हूँ, आपको करना क्या है कि जितने भी क्वेश्चन आंसर बोर्ड पे लिखे हुए हैं वीडियो को पॉज कीजिए और इन क्वेश्चन आंसर को अपने कॉपी पे आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, है ना। तो मैं जो लिखा हूँ क्या कि वाटर पेस्ट, पेस्ट क्या होता है, तो मैंने लिखा है पेस्ट जो होता है ऑर्गेनिज्म होता है जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाने का काम करता है, जैसे में चूहा है, कीड़ा मकोड़ा है, तो ये सबको कहा जाता है पेस्ट, जो कि फसल को क्या पहुंचा देते हैं, तो पहुंचा देते हैं नुकसान। इसके बाद जो सवाल है वो सवाल है कि वाई आर एनिमल प्रोटीन्स कंसीडर्ड टू बी बेटर देन प्लांट प्रोटीन, एनिमल का प्रोटीन जो होता है प्लांट के प्रोटीन से अच्छा होता है, ऐसा क्यों। तो मैंने आंसर में लिखा है कि एनिमल प्रोटीन्स आर मोर कम्प्लीटली डाइजेस्टेड बाय अस, एनिमल का प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर में आसानी से और पूरा पूरा पच जाता है, क्यों, क्योंकि इसके पास अपना कुछ एमिनो एसिड होता है जो कि आपके प्लांट प्रोटीन के पास होता नहीं है। इसीलिए आप लोग देखते भी होंगे कि जब भी आप लोग प्लांट का प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं तो होता क्या है कि हम लोगों को डिसेंट्रिंग वगैरह बीमारी हो जाता है, जबकि एनिमल का प्रोटीन कितना भी ज़्यादा खाने पर हम लोगों का जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बोर्ड पे जो आप लोगों को लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आप लोग अपने अपने नोटबुक में उतार रहे होंगे, है ना। नोटबुक में उतारना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के समय ये आपको बहुत ज़्यादा क्या करेगा, हेल्प करेगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल जो है कि वेन आर खरीफ क्रॉप्स ग्रो सोन, है ना, खरीफ क्रॉप्स को कब बोया जाता है। तो सवाल नंबर है आठ कि वेन आर, वेन आर खरीफ, खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप ग्रोन, खरीफ क्रॉप्स सोन, सॉरी, खरीफ क्रॉप्स सोन, खरीफ फसल को कब बोया जाता है।
है, तो इस सवाल का जवाब मैंने आपको पढ़ाया भी है ना। खरीफ क्रॉप्स को कब बोया जाता है, तो खरीफ क्रॉप्स को बोया जाता है मानसून के महीने में, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि खरीफ क्रॉप्स आर सोन, खरीफ क्रॉप्स आर सोन ड्यूरिंग मानसून, ड्यूरिंग मानसून, ड्यूरिंग मानसून, है ना। खरीफ क्रॉप्स को मानसून के महीने में बोया जाता है ना। तो ये बातें हैं कि खरीफ क्रॉप्स को बोया कब जाता है, तो खरीफ क्रॉप्स को बोया जाता है मानसून के महीने में, या फिर यहीं पे मैं लिख लेता हूँ और इन द मंथ ऑफ जून जुलाई, और इन द मंथ ऑफ, और इन द मंथ ऑफ, मंथ ऑफ जून जुलाई, है ना, जून जुलाई फुल स्टॉप। नौ नंबर सवाल अब है कि नौ नंबर सवाल में है व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री, है ना, व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री, व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री, व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, है ना। तो एनिमल हस्बेंड्री जो है एक प्रकार का प्रैक्टिस होता है जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में एक ही प्रकार के जीव जंतुओं को पाला पोसा खिलाया पिलाया जाता है, यही है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री जो होता है एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसमें कि बहुत सारे जीव जंतुओं को एक साथ रखकर खिलाया पिलाया जाता है ना, उनके बच्चों को पैदा किया जाता है, यही कहलाता है क्या, एनिमल हस्बेंड्री। इसका आंसर है द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विथ द, विच डील्स विथ द, विच डील्स विथ द, विच डील्स विथ द फीडिंग, विच डील्स विथ द फीडिंग, फीडिंग। इसके बाद है शेल्टर, शेल्टर, है ना, फिर है हेल्थ, हेल्थ। इसके बाद है एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, एंड ब्रीडिंग, एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। फिर से मैं बोर्ड की ओर से हट जाता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज कर रहे, वीडियो को पॉज करके आप लोग करें क्या कि इन क्वेश्चन आंसर्स को अपने कॉपी में उतारें, है ना, ताकि कि आपको आने वाले एग्जाम के समय ज़्यादा परेशानी की सामना न करना पड़े। अब मैं फिर से एक बार सवाल को समझा देता हूँ, है ना, सवाल समझिए, है ना, सवाल को समझ के आप लोग इसको अच्छे तरीके से लिखिए अपने कॉपी में, और आज ही शाम शाम तक आप इनको मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए ताकि मैं आप लोगों का होमवर्क चेक कर लूँ। लिखा हुआ है व्हेन आर खरीफ क्रॉप्स सोन, खरीफ क्रॉप्स को बोया कब जाता है, तो खरीफ क्रॉप्स आर सोन ड्यूरिंग मानसून, खरीफ क्रॉप्स को मानसून के महीने में बोया जाता है, और मानसून शुरू कब होता है भारत में, तो मानसून सामान्य तौर से भारत में जून और जुलाई के महीने में शुरू होता है। इसका मतलब खरीफ क्रॉप्स को बोया कब जाता है, तो मानसून के महीने में बोया जाता है। अगला है व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री किसको कहा जाता है, तो एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें जीव जंतुओं के फीडिंग, है ना, फीडिंग मतलब भोजन, शेल्टर मतलब आवास, हेल्थ उनका स्वास्थ्य, और साथ में ब्रीडिंग किया जाता है, ब्रीडिंग मतलब उनसे नए बच्चे को जन्म दिलवाया जाता है, है ना। तो पालतू जानवरों को पालना, खिलाना, उनके रहने का इंतजाम करना, उनके स्वास्थ्य का इंतजाम करना, यही क्या कहलाता है, तो कहलाता है एनिमल हस्बेंड्री। आज चलिए अब अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, सवाल नंबर है 10, है ना, सवाल नंबर 10 का जवाब हम लोग ढूंढ लेते हैं। आप लोग वीडियो को देखते रहे, है ना, जो भी बोर्ड पे लिखवाया जा रहा है उसको लिखते रहे, ताकि कि आपको अच्छे तरीके से आपका फर्स्ट टर्म का जो भी एक्सरसाइज है आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए, है ना। तो 10 नंबर सवाल है कि व्हाट आर द टू थिंग्स, 10 नंबर सवाल है कि व्हाट आर द टू थिंग्स, व्हाट आर द टू थिंग्स, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट हैव टू बी कंट्रोल्ड, दैट हैव टू बी कंट्रोल्ड, that have to be controlled, that have to be controlled in a cold storage, in a cold storage, in a cold storage, in a cold storage। आखिर कौन कौन से चीज़ों को कोल्ड स्टोरेज में कंट्रोल किया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे कंट्रोल किया जाता है वहाँ सिर्फ टेम्परेचर को, और कंट्रोल किया जाता है वहाँ सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चर को, कोल्ड स्टोरेज में सिर्फ यही दोनों चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है और किसी भी प्रकार के चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया जाता है। तो ये बातें हैं
है ना। तो कोल्ड स्टोरेज में किया जाता है किसको कंट्रोल, तो कंट्रोल किया जाता है टेम्परेचर को और कंट्रोल किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो लिखते हैं इन अ कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी have to be controlled। फिर मैं बोर्ड पे से हट जा रहा हूँ। सवाल नंबर 10 का जब है, सवाल नंबर 10 का आप लोग जवाब लिख ले, है ना। सवाल नंबर 10 ये है कि व्हाट आर द टू थिंग्स दैट हैव टू बी कंट्रोल्ड। आखिर कौन कौन से वैसे दो चीज़ें होते हैं जिसको कि हम लोग कंट्रोल करते हैं, कहाँ? तो कोल्ड स्टोरेज में, तो हम लोग कोल्ड स्टोरेज में करते हैं टेम्परेचर को कंट्रोल और साथ में करते हैं हम लोग ह्यूमिडिटी को कंट्रोल। तो कोल्ड स्टोरेज में हम लोग ये दो चीज़ कंट्रोल करके हम अपने फसलों को, हम अपने अनाजों को, हम अपने साग सब्जियों और फल फूलों को अच्छे तरीके से सुरक्षित रख पाते हैं। तो ये बात था कोल्ड स्टोरेज का। अब मैं फिर से आप लोगों से एक बात बोलना चाह रहा हूँ जो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन आंसर अभी मैंने बोर्ड पे लिखा है, आप लोगों को अच्छे तरीके से उन क्वेश्चन आंसर्स को अपने फेयर कॉपी में लिखना है। फेयर कॉपी में लिखने के साथ साथ आपको ये सारे आंसर क्वेश्चन आज शाम तक मेरे व्हाट्सएप पे भेजना है, है ना। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी घर से बाहर निकलने का नहीं है, तो आप लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स। और अगले वीडियो जो आएंगे उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर होगा। थैंक्स।